हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिटरमिनेंट का टॉपिक पढ़ा था। आज हम बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर श्योर आता है, तो आप ध्यान दे के थोड़ा समझेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं बच्चों इसकी। आप ध्यान से देखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टी हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों इसकी है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। कहने का मतलब बच्चों कि अगर हम किसी डिटरमिनेंट की रो या कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। इंटरचेंज मीन्स अगर उसका हम क्या कर दें बच्चों, ट्रांसपोज कर दें तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, देन वी कैन राइट इट, डिटरमिनेंट ए की जो वैल्यू होती है अगर हम ए का ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट कर दें वो उसके क्या होती है, ऑलवेज इक्वल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों। आगे नेक्स्ट, इसमें अगर मैं एग्जांपल देखूं तो देखिए बच्चों, एक एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ। ए कोई हमारे पास 1, 3, 5 एंड 8 है आपके पास। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट फाइंड करूँ तो देखिए, 8 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 8, माइनस में 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 15, तो कितना आएगा बच्चों, माइनस का 7। अब इसकी रो या कॉलम को इंटरचेंज करके डिटरमिनेंट फाइंड कर लीजिए। तो अगर मैं इसकी रो को सेकंड रो को फर्स्ट रो बना दूं और फर्स्ट रो को सेकंड बना दूं, तब देखिए बच्चों क्या वैल्यूज आती है इसकी डिटरमिनेंट की। देखिए 15 माइनस में 8, तो बच्चों कितनी आएगी, 7। तो इसका साइन चेंज हो जाता है बच्चों यहाँ पे। लेकिन ये जो मैंने टू ऑर्डर का एग्जांपल लिया, तो टू ऑर्डर के अंदर थोड़ा ध्यान रखना बच्चों, इसका साइन चेंज हो जाता है। लेकिन जब थ्री ऑर्डर का करेंगे तो उसके अंदर साइन चेंज नहीं होगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, सेम ही आएगी जो इसकी आएगी। तो ध्यान इंपॉर्टेंट है, यदि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ द रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज। अगर हम उसके रो या कॉलम, सभी रो या कॉलम को क्या कर देते हैं बच्चों, इंटरचेंज कर देते हैं। तो इस केस के अंदर जो हमारा सेकेंड ऑर्डर है इसमें थोड़ा सा ये इसका कॉन्ट्राडिक्शन है बच्चों। इसमें क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर अगर सेकंड ऑर्डर का आ जाए तो साइन चेंज हो जाता है बच्चों। तो अगर थर्ड ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स होता तो इसके लिए वैल्यू बिल्कुल क्या था, राइट था। उसके बाद हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है बच्चों, सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर क्या है, इफ एनी, देखिए ये प्रॉपर्टी इससे मैच खाएगी जो मैंने इसके ऊपर एग्जाम्पल लिया है। इफ एनी टू रोज या फिर आप ले सकते हो यहाँ पे कॉलम्स, इफ एनी टू रोज कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, इफ एनी टू रोज एंड कॉलम ऑफ एन डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस बाय माइनस साइन ओनली। तो ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी डिटरमिनेंट्स के, अभी देखो जो हमने ऊपर की थी, कि अगर हम किसी डिटरमिनेंट की टू रोज या कोई कॉलम्स को क्या कर दें, टू कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें, तो उसको जो डिटरमिनेंट की वैल्यू हो माइनस साइन से क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इट मीन्स अगर किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू प्लस टू आ रही है पहले, तो अगर आप एक रो या किसी कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हो टू रोज या टू कॉलम्स को, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस टू हो जाएगी। तो इस टाइप से ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, हम इनका यूज़ करेंगे तब देखना बच्चों इसके कैसे इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि यूज़ के थ्रू ये ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देखिए अब हमारी जो, इट मीन्स अगर मैं कोई डेटा इसका अगर मैं लिखूँ इसको इस टाइप से लिखूँगा, देन अगर आपके पास कोई डिटरमिनेंट है, आपके पास मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट ए है, ए की अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा अगर हम इंटरचेंज करके हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स बी आता है, तो अगर उसका डिटरमिनेंट निकालें तो माइनस बी के ऑलवेज क्या आती है, इक्वल आती है। ये इंटरचेंज करने के बाद मैट्रिक्स आता है और ये पहले मैट्रिक्स था, तो इंटरचेंज करने के बाद जब डिटरमिनेंट निकाला तो वो माइनस में आएगा पहले वाले के। उसी टाइप से
थर्ड प्रॉपर्टी आपकी इसमें क्या कहती है बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है इफ एनी टू रोज और कॉलम, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ एंड डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल। देख लो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, लगभग इसके अंदर यूज होने वाली प्रॉपर्टी है एक्सरसाइज के अंदर। इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज जीरो। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो हो जाएगी अगर किसी डिटर्मिनेंट की टू रोज और टू कॉलम्स क्या हैं आपके आइडेंटिकल हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं यहां पे एक एग्जांपल लेके, कि अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट ए, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हो आप 1 3 5 2 6 8 1 3 5, तो देखिए इसकी टू रोज आइडेंटिकल है बच्चों, आर वन और आर थ्री आइडेंटिकल है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब आप निकालोगे तो वो कितनी आएगी बच्चों आपकी, जीरो आएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके बाद जो प्रॉपर्टी आ रही है बच्चों वो देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कहती है इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, अगर किसी रो के हर एलिमेंट्स को या किसी कॉलम के हर एलिमेंट को ऑफ ए डिटर्मिनेंट किसी डिटर्मिनेंट के अंदर इज मल्टीप्लाई, उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इज मल्टीप्लाइड बाय कॉन्स्टेंट के, उसको अगर हम किसी कॉन्स्टेंट के से बच्चों क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं देन द वैल्यू ऑफ द न्यू डिटर्मिनेंट, जो नए डिटर्मिनेंट की बच्चों जो वैल्यू आएगी, द वैल्यू ऑफ द न्यू डिटर्मिनेंट इज के टाइम्स, द वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट इज के टाइम्स द वैल्यू ऑफ के टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। तो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की क्या आएगी बच्चों आपकी के टाइम्स आएगी, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट्स ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की बच्चों क्या आएगी वो के टाइम्स आएगी। तो देखिए बच्चों इसके अंदर क्या बोला गया है, अब मैं आपको एक बता देता हूँ किस टाइप से है, कि आपके पास कोई मान लीजिए डिटर्मिनेंट था, आपके पास 2 5 8 1 6 7 2 1 4, ये आपके पास बच्चों को डिटर्मिनेंट था। तो अगर क्या बोला इसने, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय कॉन्स्टेंट के देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट इज के टाइम्स द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। तो देखिए अगर आप किसी भी इसको मान लीजिए आप कि टू से मल्टीप्लाई कर रहे हो बच्चों, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, टू से इस रो को, फर्स्ट रो को टू से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो देखिए मल्टीप्लाई आर वन बाय टू, अगर टू से मल्टीप्लाई करो तो ये फोर आ जाएगा, टेन आ जाएगा, और ये बच्चों कितना आ जाएगा आपका, यहाँ भी 16 आ जाएगा, 1 6 7 2 1 4। तो मान लीजिए टू से आपने मल्टीप्लाई की, लेकिन जो पहले जो डिटर्मिनेंट आता है बच्चों, वैसे तो आप टू से मल्टीप्लाई करो तो साथ में आपको टू से डिवाइड भी करना पड़ेगा, लेकिन जो डिटर्मिनेंट की बात करूं मैं, तो यहाँ जो पहले डिटर्मिनेंट आएगा, और अगर आप जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो मान लीजिए टू से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उसका बच्चों ये डबल आएगा। अगर इसको सेकंड रो को भी टू से मल्टीप्लाई कर दे तो फोर टाइम आएगा, थर्ड रो को भी टू से मल्टीप्लाई कर दे तो एट टाइम आएगा। ये इस टाइप से मीन्स जितने टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे उतने टाइम्स होता जाएगा डिटर्मिनेंट आपका। ये देखिए जब यूज होगा तो इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन आपको और कर दूंगा, कि इसलिए आपको इजीली क्या आ जाएगा बच्चों वहाँ पे समझ आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों इसकी सिक्स प्रॉपर्टी के बाद, सिक्स प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों, सिक्स प्रॉपर्टी के अंदर है इफ ईच एलिमेंट, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, अगर किसी एलिमेंट, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस्ड, अगर किसी रो या कॉलम के ईच एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टू और मोर टर्म्स देन
डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट टू और मोर डिटर्मिनेंट्स। क्या कहता है बच्चों कि अगर ईच एलिमेंट ऑफ ए रो या किसी कॉलम का अगर वो एक्सप्रेस है टू और मोर टर्म्स के अंदर, जैसे कि मैं आपके सामने एग्जांपल ले लेता हूँ, ये कोई मैट्रिक्स है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया A1 प्लस अल्फा 1, B1 प्लस बीटा 1 और C1 प्लस गामा 1, ये इस टाइप से लिख दिया मैंने सी ए बच्चों, ये C1 प्लस गामा 1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो ये देखिए आपके पास इस टाइप से, देखो ये जो इस रो के अंदर जो आपके पास एलिमेंट हैं वो टू टर्म्स के अंदर क्या है बच्चों, टू टर्म्स के अंदर है। किसके में है बच्चों, किस टर्म में एक्सप्रेस है, ये टू टर्म के अंदर एक्सप्रेस है। तो अगर आप इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में अगर लिखोगे तो डिटर्मिनेंट फॉर्म बनाएंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म बनाएंगे तो अल्फा A1 प्लस अल्फा 1, B1 प्लस बीटा 1, C1 प्लस गामा 1, A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये आपके पास है। अब इसको आप इस टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हो बच्चों, देखो इस आपको इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो इसको, A1 लो, B1 लो और C1 लो, इस टाइप से ले लिया आपने A1 B1 और C1। उसके बाद बच्चों आप ये सेम रहेंगे आपके A2 B2 C2 A3 B3 C3 और इसी टाइप से प्लस में अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 और ये सेम रहेंगे बच्चों नीचे वाले A2 B2 C2 A3 B3 C3। इस तरह से अगर किसी रो या किसी कॉलम के अंदर टू टर्म्स या थ्री टर्म्स के अंदर कोई भी डिटर्मिनेंट एक्सप्रेस है बच्चों, तो आप उसको इस तरह से एडिशन, मैं डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूँ, मैट्रिक्स की नहीं कर रहा हूँ, मैंने डिटर्मिनेंट को एक्सप्रेस करके आपको बताया है। तो ध्यान रखना बच्चों इस तरह से आपकी क्या हो जाएगी ये है। नेक्स्ट है आपका बच्चों ये इस प्रॉपर्टी को आप कर सकते हो। इसी टाइप से आपका जो सेवंथ प्रॉपर्टी आ रही है बच्चों वो भी आपने ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये भी, इफ ईच एलिमेंट इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो या कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम कॉन्स्टेंट, ध्यान रखना बच्चों इसमें द सेम कॉन्स्टेंट, कहता है इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम कॉन्स्टेंट and then added to the corresponding element then the value of the determinant remain same। तो यहां भी बच्चों डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्या बोला इसने, कहता है अगर किसी इन सभी एलिमेंट्स के किसी रो या कॉलम के अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी कांस्टेंट से, देन उसको ऐड कर दें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ सम अदर रो, किसी अदर रो के अंदर बच्चों उनको क्या कर दें, ऐड कर देते हैं, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो बच्चों क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। कैसे, मैं आपको इसमें बता देता हूँ थोड़ा। इसमें क्या होता है बच्चों कि आपके पास मान लो कोई ए मैट्रिक्स है, एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ए कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स क्या बच्चों A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये मैट्रिक्स था। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, इस B1 को K से मल्टीप्लाई करके इस कॉलम में क्या कर देता हूँ बच्चों, ऐड कर देता हूँ, तो मेरे पास सेकंड मैट्रिक्स आ जाएगा B। क्या आ गया, मैंने क्या किया, इस सेकंड कॉलम को पूरे कॉलम को K से मल्टीप्लाई किया और इसको ऐड कर दिया मैंने फर्स्ट कॉलम में,
तो ए वन में क्या ऐड कर दिया, के से मल्टीप्लाई करके बी वन। ए टू में क्या ऐड कर दिया, के से मल्टीप्लाई करके बी टू। और ए थ्री में क्या ऐड कर दिया, के से मल्टीप्लाई करके बी थ्री। ये बी वन बी टू बी थ्री क्योंकि ऐड तो हमने इसमें किया है ना, सी वन सी टू एंड सी थ्री। तो ये नया मैट्रिक्स बन गया मेरे पास बच्चों, बी बन गया। अगर आप इस टाइप से आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हो और इस मैट्रिक्स का क्या फाइंड कर लेते हो बच्चों, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हो, तो आपके बाद दोनों की वैल्यू क्या बनेगी, जीरो बनेगी। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू होगा बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ए का डिटर्मिनेंट बी के क्या होगा, इक्वल होगा। किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करके आप उसी के अंदर किसी अदर रो या कॉलम में ऐड कर रहे हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई डिफरेंट कोई भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो क्या रहेगी बच्चों आपकी सेम रहेगी। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी। अगला नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों इसके अंदर, एट्थ प्रॉपर्टी आपकी। एट्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ ईच एलिमेंट, एट्थ प्रॉपर्टी के अंदर बोला गया है इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, किसी भी एलिमेंट, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट, ऑफ ए डिटर्मिनेंट, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज जीरो, इज जीरो, देन द देन इट्स वैल्यू इज जीरो, देन इट्स वैल्यू इज जीरो। तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो हो जाएगी। तो ये सिंपल प्रॉपर्टी है बच्चों, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है। इसने क्या बोला है कि ए कोई आपके पास मैट्रिक्स था, ये एग्जांपल है, लेट कर लिया हमने कि ये कोई मैट्रिक्स है, जीरो जीरो जीरो, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री है। तो देखिए इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट फर्स्ट रो के अंदर क्या है, जीरो है। तो एक्सपेंड करते हैं तो जीरो बाहर रखते हैं, यहाँ भी जीरो बाहर रखते हैं, यहाँ भी जीरो बाहर रखते हैं, सारे जीरो ही मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, आपके पास जीरो आएगी। देन डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, जीरो होगा आपका। इसी तरह से आपकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, उसके अंदर प्रॉपर्टी नंबर आपकी कौन सी है, ये नाइन्थ प्रॉपर्टी है। इसके अंदर क्या बोला गया है, ध्यान देना बच्चों इसमें, कि इफ ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे कोई क्या है बच्चों, मैट्रिक्स है, इज ए, और वो भी कौन सा मैट्रिक्स है बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स है। इफ ए आई जे इज ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ऑफ ऑर्डर, और उसका जो ऑर्डर है वो बच्चों क्या होना चाहिए, एन है, वो ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, टू, उसका ऑर्डर टू होना चाहिए या टू से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। देन जो डिटर्मिनेंट आएगा बच्चों, ये डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट तो नॉन जीरो होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है ए, और वो भी किस ऑर्डर का, टू या टू से ग्रेटर का ऑर्डर का है, तो डिटर्मिनेंट्स वैल्यू इज ऑलवेज फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई, सेकंड डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई, थर्ड डायगोनल एलिमेंट, जिस भी ऑर्डर का है बच्चों ये चलती जाएगी, उनकी क्या कर देंगे हम, डायगोनल एलिमेंट की डायरेक्ट क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों। क्या बोला है कि अगर किसी भी डायगोनल, कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का है, टू या टू से ग्रेटर ऑर्डर का है, देन अगर डिटर्मिनेंट निकालें तो डायगोनल एलिमेंट्स की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड हो जाएगा, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। इसी टाइप से बच्चों इसकी टेंथ प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों ये टेंथ प्रॉपर्टी है। टेंथ प्रॉपर्टी के अंदर क्या बोला गया है बच्चों, इफ ए एंड बी आर, ए एंड बी आर स्क्वेयर मैट्रिक्स, अगर ए और बी क्या है बच्चों, स्क्वेयर मैट्रिसेस हैं, स्क्वेयर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, और उनका ऑर्डर क्या है बच्चों, सेम ऑर्डर के दो क्या हैं, स्क्वेयर मैट्रिक्स हैं, ए एंड बी आर स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन आप दोनों की मल्टीप्लाई का डिटर्मिनेंट वो किसके इक्वल होगा, ए डिटर्मिनेंट इनटू बी डिटर्मिनेंट। तो ये भी आप इसको कि अगर ए और बी की मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें तो वो ऑलवेज किसके इक्वल आएगा, ए का डिटर्मिनेंट इनटू बी का डिटर्मिनेंट। इस तरह से अभी हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, इलेवंथ प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, ध्यान देंगे कि लेट ए कोई मैट्रिक्स आपके पास ए आई जे, कोई भी मैट्रिक्स है ये ए आई जे, बी ए स्क्वेयर मैट्रिक्स, बी ए स्क्वेयर मैट्रिक्स, तो ये किस कौन सा मैट्रिक्स है बच्चों, स्क्वेयर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है बच्चों, टू थ्री कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, एन ऑर्डर का है। एंड लेट सी आई जे, लेट सी आई जे क्या है बच्चों, इसके को फैक्टर है, लेट सी आई जे इज को फैक्टर ऑफ ए आई जे, जो फर्स्ट एलिमेंट है आपका ए आई जे, इसके अंदर जितने भी ईच एलिमेंट्स के को फैक्टर क्या है बच्चों, सी आई जे हैं।
इन ए, ए के अंदर उसके सी आई जे क्या हैं, को फैक्टर हैं। फॉर आई एंड जे आपके पास पता ही है बच्चों, आई जे आपके पास जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उस टाइप से हम पुट करते जाएंगे। इफ सी इज इक्वल टू आपके पास सी आई जे, एक को फैक्टर का एक मैट्रिक्स बन जाए, इज द मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर, मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर ऑफ एलिमेंट इन ए, ए एलिमेंट के अंदर, देन देन जो आपका को फैक्टर के मैट्रिक्स बनेगा उसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें तो वो ऑलवेज इक्वल होगा ए के डिटर्मिनेंट की पावर एन माइनस वन की। ए के डिटर्मिनेंट की पावर किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, एन माइनस वन के। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, को फैक्टर की पूरी एक्सरसाइज है वो हम करेंगे इस एक्सरसाइज के बाद में, लेकिन इसमें हम प्रॉपर्टीज के अंदर इसके अंदर ले रहे हैं। इसको क्या कह रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास ए आई जे बी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन का है, तो सी आई जे उसके क्या होंगे बच्चों, को फैक्टर होंगे उस ए मैट्रिक्स के। देन अगर हम सी आई जे को फैक्टर फाइंड करके एक मैट्रिक्स लिखें, तो उसको सी नाम दे दिया इन्होंने, को फैक्टर फाइंड करके एक मैट्रिक्स लिखें, तो उस मैट्रिक्स का अगर हम डिटरमिनेंट निकालें तो वो जो पहले मैट्रिक्स हमारा दिया होता है ए, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू एन माइनस वन होगी। एन आपके पास पता होगा टू ऑर्डर है, थ्री ऑर्डर है, वो उसका ऑर्डर होता है बच्चों एन, तो उसकी पावर एन माइनस में वन। अगर टू ऑर्डर का तो टू माइनस वन, थ्री ऑर्डर का तो थ्री माइनस वन, यहाँ पे हम पुट करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये प्रॉपर्टी है आपकी बच्चों। इसके बाद अगर कोई प्रॉपर्टी बची हुई है तो हम और कर लेते हैं बच्चों। हाँ, अगर हम एक दो प्रॉपर्टी और हैं बच्चों, कर ही लेते हैं साथ साथ। क्या बोला इसने 12th प्रॉपर्टी के अंदर, क्या बोला है कि अगर आपके पास लेट ए इज इक्वल टू क्या है बच्चों, ए आई जे कोई मैट्रिक्स है, बी ए स्क्वेयर मैट्रिक्स, ये भी आपके पास क्या है बच्चों, स्क्वेयर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, और इसका इस स्क्वेयर मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या है बच्चों, एन ऑर्डर का कोई स्क्वेयर मैट्रिक्स है, देन द सम ऑफ, तो हम उनका अगर सम कर दें, देन द सम ऑफ द देन द सॉरी देन देन द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देन द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट देन द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम एनी रो और कॉलम विद देयर को फैक्टर विद देयर को फैक्टर। तो देखिए को फैक्टर का टॉपिक है हमारा पूरा का पूरा, हम आगे पढ़ेंगे। विद देयर को फैक्टर is always equal to determinant A, or we can say that A, determinant A के always क्या होगा बच्चों, equal होगा। तो क्या कह रहा है ये बच्चों कि अगर हम कोई हमारे पास matrix A है, अगर उसमें से एक row हम ले लें बच्चों, एक row हम ले लें और row के क्या find कर लेते हैं बच्चों, cofactor find कर लेते हैं, row के हम क्या find कर लेते हैं, को फैक्टर, और उन्हीं को फैक्टर को उसी रो के एलिमेंट से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, तो वो हमेशा किसकी वैल्यू देते हैं, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू देते हैं। तो अगर हम क्या कहें बच्चों, सम होता है, मान लीजिए कुछ ऑर्डर का है, वन टू एन कोई भी ऑर्डर हो सकता है, तो ये सम होता है। सिग्मा को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, सम से डिनोट करते हैं। और अगर हम उसको ए आई जे कोई रो लिए हमने, ए आई जे कोई रो ली है और सी आई जे उसके क्या लिए हैं बच्चों, को फैक्टर लिए, अगर उनकी मल्टीप्लाई कर दें तो वो ऑलवेज बच्चों किसके इक्वल आते हैं, आपके डिटरमिनेंट ए के इक्वल आएंगे। तो हमेशा वो किसके इक्वल आएंगे, आपके डिटरमिनेंट ए के। इसी टाइप की एक प्रॉपर्टी और है बच्चों, और लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या बोला गया है, लेट ए कोई मैट्रिक्स है बच्चों ए आई जे, ए आई जे कोई मैट्रिक्स है, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बच्चों कौन सा मैट्रिक्स है आपका, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ये भी किस ऑर्डर का है, एन ऑर्डर का है। देन द ये सेम प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, देखना क्या मैं बताता हूँ इसमें, ऑफ ऑर्डर एन, देन द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद द कोफैक्टर्स ऑफ द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ सम अदर रो
सम अदर रो। तो देखो बच्चों, उस ऊपर हमने पढ़ा था सम अदर रो और कॉलम, सम अदर रो और कॉलम इज जीरो, इज जीरो। तो ध्यान देना बच्चों, ऊपर हमने पढ़ा था कि अगर किसी मैट्रिक्स की एक रो के कोफैक्टर निकाल के उसी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो डिटर्मिनेंट ए के इक्वल आता है। अगर हम किसी रो या किसी कॉलम के कोफैक्टर फाइंड करके अगर किसी अदर रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, आपका जीरो के इक्वल आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर हम सम कर लेते हैं आई टू वन टू एन किसी ऑर्डर का, अगर कोई हमने रो ले ली, मान लो ए आई जे कोई रो ले ली और उस कोफैक्टर हमने किसी अदर रो के ले लिए, के जे के हमने क्या ले लिए, किसी अदर रो के हमने क्या ले लिए, कोफैक्टर ले लिए, तो ऑलवेज किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। कोई अदर रो के अगर हम कोफैक्टर ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। अगर सेम रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट ए के इक्वल आएगा। तो ये प्रॉपर्टियां थी बच्चों, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टियां हैं, इनको आप पढ़ेंगे और इसके इसके बेस पे हमारे जो क्वेश्चंस इन प्रॉपर्टियों के बेस पे हैं और एग्जाम के अंदर एग्जामिनर हर बार क्वेश्चन पुट करता है यहाँ से, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 के कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ बच्चों, जिसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रॉपर्टियों का यूज हमने कैसे करना है। तो देखिए 4.2 का जो हमारा इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, इसने खुद बोला हुआ है यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग, और नहीं आपने एक्सपेंड करना, क्योंकि हमने पिछली एक्सरसाइज के अंदर एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट फाइंड किया था ना, लेकिन इसमें हमें एक्सपेंड नहीं करना, बस प्रॉपर्टी का यूज करना है। प्रॉपर्टी का यूज करके हमने बताना है 1 to 7 जो क्वेश्चन है, प्रूव द कि जो फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर क्या है हमारे पास कि एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एंड जेड प्लस सी, ये आपके पास है और इसको हमने क्या प्रूव करके दिखाना बच्चों, जीरो के इक्वल हमने प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी बच्चों एक, कि आप या तो कर सकते हो कि सारी रो या किसी जीरो कब आता है, इसमें कुछ प्रॉपर्टियां आप चेक करेंगे कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो कब आती है। जीरो तभी आती है बच्चों जब टू रो या टू कॉलम्स क्या हो, आइडेंटिकल हो, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आती है, या फिर पूरी एक रो या पूरा एक कॉलम क्या हो, कोई भी पूरी कोई भी एक रो या पूरा कोई भी एक कॉलम अगर जीरो 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 हो तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है बच्चों, जीरो आती है। तो यहाँ जीरो 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 तो है नहीं, आइडेंटिकल भी नहीं है, अगर नहीं है तो हमें बनानी पड़ेगी। तो बच्चों हम देखते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड हम एक अप्लाइंग हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग में देखो यहाँ x प्लस ए है, y प्लस बी है, z प्लस सी है, तो ये ऐसे आ सकता है बच्चों। देखो इस x के अंदर ये ऐड हो जाए, y के अंदर b ऐड हो जाए, z के अंदर c ऐड हो जाए, तो ये सेम हो जाएंगी, दोनों सेम हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। इट मीन्स हमने क्या ऑपरेशन अप्लाई किया कि कॉलम फर्स्ट के अंदर कॉलम सेकेंड को हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। हमने ऑपरेशन किस में लगाया, कॉलम फर्स्ट में, तो कॉलम फर्स्ट में ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो देन आपके पास क्या आ रहा है कॉलम फर्स्ट में, तो आपके पास आ रहा है x में a ऐड हो रहा है, y में b ऐड हो रहा है, और z में क्या ऐड हो रहा है बच्चों, c ऐड हो रहा है। और ये कॉलम सेकंड में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ ऐड होती है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा आपका, तो इस कॉलम सेकंड के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, और ये आपका कॉलम थर्ड था। अब देखिए दो कॉलम क्या हो चुके हैं बच्चों, आइडेंटिकल हो चुके हैं, हो चुके हैं नहीं, फर्स्ट और कॉलम, तो आप लिखेंगे यहाँ पे वेयर C1 and C2 are identical, column C1 and C2 are identical, then आप इसको डेल्टा के इक्वल भी ले सकते थे, लेट इसको किसके इक्वल कर लेते हैं, डेल्टा के, देन डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, और वो किसके इक्वल आ गया बच्चों, आपका राइट हैंड साइड के। तो यही प्रूव करना, देखो कितनी इजीली सी हमने इसको प्रूव कर दिया, एक्सपेंड नहीं करना पड़ा आपको यहाँ पे, इससे आपको पता चल गया हमने प्रॉपर्टी का यूज किया, टू कॉलम आइडेंटिकल बना लिए, और दो कॉलम आइडेंटिकल होते ही डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, आपकी जीरो आ गई। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं बच्चों, हट के हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास आता है बच्चों क्वेश्चन सेकंड, सेकंड के अंदर क्या है हमारे पास, सेकंड के अंदर क्या है हमारे पास, ए माइनस बी है, बी माइनस सी है, और सी माइनस ए है। उसी टाइप से आपके पास बच्चों क्या है, बी माइनस सी है, सी माइनस ए है, ए माइनस क्या है बच्चों, बी है, और सी माइनस ए है, ए माइनस बी है, और बच्चों आपके पास है बी माइनस सी, ये देखिए आपके पास, और इसको भी किसके इक्वल शो करना है आपको बच्चों, जीरो के इक्वल शो करना है। तो हम फ्रॉम कौन सी साइड ले लेंगे इसको बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड,
लेफ्ट हैंड साइड को लेट किसके इक्वल ऐड कर लेते हैं, डेल्टा के। तो देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आप अगर इन कॉलम को या रो को ऐड कर लेते हो तो आई थिंक ये सारे जीरो 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 हो जाएंगे। तो ऑपरेशन लगा लो, लेट ये डेल्टा के इक्वल ऐड कर लिया हमने। एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। तो देखिए क्या होता है बच्चों, और क्या ऑपरेशन लगाया मैंने, अप्लाइंग, कॉलम ऐड कर दो या रो ऐड कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी वन के अंदर मैंने सी वन, सी टू प्लस सी थ्री दोनों तीनों को ऐड कर दिया बच्चों। सी वन के अंदर सी टू और सी थ्री को मैंने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो देखो ऐड करने पे क्या है, इस सी वन के अंदर ए माइनस बी में ये भी ऐड हो रहा है बी माइनस सी, और ये भी ऐड हो रहा है सी माइनस ए। इसी टाइप से बी माइनस सी में ये दोनों ऐड हो रहे हैं, कौन कौन, सी माइनस ए और ए माइनस बी ऐड हो रहा है। इसी टाइप से इसके अंदर सी माइनस ए में भी कौन ऐड हो रहा है बच्चों, ए माइनस बी और बी माइनस सी ऐड हो रहा है। तो सी वन के अंदर ये चेंज हो गया, लेकिन बाकियों में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि जिसमें ऑपरेशन लग रहा है उसी में चेंज आता है, बाकी क्या रहेंगे आपके, सेम रहेंगे। तो इसी टाइप से आपका देखिए, अब इसको अब यहाँ पे देखिए कट हो रहे हैं बच्चों सारे के सारे, बी से बी कट हो रहा है, सी से सी कट हो रहा है, माइनस ए से ए कट हो रहा है, ये सारे कट हो जा रहे हैं बच्चों। और कट होके क्या आ रहे हैं बच्चों यहाँ पे, ये सारी के सारा कॉलम क्या बन रहा है आपका, जीरो बन रहा है। इट मीन्स वी कैन से दैट डेल्टा इज इक्वल टू, वी कैन राइट जीरो जीरो जीरो, और बच्चों बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, सी माइनस ए, ए माइनस बी एंड बी माइनस सी। ये आपके पास अभी यहाँ पे क्या है, एक कॉलम पूरा का पूरा जीरो हो गया। तो यही प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, अगर किसी डिटर्मिनेंट के अंदर एक रो या कॉलम पूरा का पूरा जीरो है तो वी कैन से दैट डिटर्मिनेंट्स वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, एंड वेयर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सी वन इज, सी वन आर जीरो, ऑल एलिमेंट ऑफ सी वन आर जीरो, देन डेल्टा इज इक्वल टू जीरो इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, जीरो आ जाएगी, जो कि इसके इक्वल आ जाएगा राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। इसी टाइप से बच्चों आपका थर्ड क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, इसको भी जीरो के इक्वल दिखाना है। तो टू रो या टू कॉलम को आइडेंटिकल बनाने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप से आप बना सकते हो। इसी टाइप से आपके पास जो फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, इस फोर्थ क्वेश्चन को भी आप इजीली क्या कर सकते हो, इसको बनाना है आपने, आप इसको बना दे। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ बच्चों, इसमें हिंट में क्या है, देखिए मैं यहीं यहीं आपको हिंट दे देता हूँ आपको, वन 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 बी सी, सी ए, ए बी, इसी टाइप से आपका ये है ए बी प्लस सी है, उसके बाद ये आपका है बी सी प्लस ए है, उसी टाइप से सी ए प्लस बी है। तो देखो जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे आप तो ए बी प्लस बी सी बनेगा, बी सी प्लस बी ए बी बनेगा, ए सी प्लस ए बी बनेगा, और ये इसके अंदर ऐड करते जाना। इस आप क्या करेंगे बच्चों, मैं यहाँ पे अप्लाइंग ऑपरेशन बता देता हूँ आपको, पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मैंने लेट डेल्टा के इक्वल ले लिया। अब आपके पास ऊपर आप पहले मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आता है आपके पास, सी ए है, ए बी है, ए ए की बी से मल्टीप्लाई हो जाएगी बच्चों, ए बी हो जाएगा, ए की सी से मल्टीप्लाई सी हो जाएगी, इसी टाइप से बी सी हो जाएगा, और बी की ए से मल्टीप्लाई ए बी हो जाएगी, इसी टाइप से आपकी ये सी ए हो जाएगा, और बी की सी से मल्टीप्लाई बी सी हो जाएगी। अभी आपके सामने देखिए ये आ गया, अगर आप इस कॉलम के अंदर सी थ्री के अंदर सी टू को ऐड कर देते हो तो शायद ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे बच्चों, क्या ऑपरेशन लगाया मैंने, अप्लाइंग सी थ्री, सी थ्री प्लस सी टू, तो सी थ्री और सी टू को क्या कर दिया मैंने, इसके अंदर ऐड कर दिया, सी थ्री के अंदर सी टू को ऐड कर दिया, तो सी टू में तो कोई चेंज आएगा नहीं क्योंकि हमने सी थ्री में ऐड किया इसको। तो ये देखो ए बी और ये बी सी इधर ऐड हो जाएगा, तो बी सी और सी हो जाएगा, इसी टाइप से ये ए सी इधर ऐड हो जाएगा, तो ए बी तो पहले है ही है यहाँ पे, बी सी भी है और ये सी ऐड हो गया इधर, इसी टाइप से ए बी क्योंकि ए बी इधर ऐड होना है, बी सी भी है यहाँ पे, और क्या है बच्चों यहाँ पे सी है। तो ये सारे के सारे इसके अंदर एलिमेंट क्या हो गए बच्चों, सेम हो गए। तो सेम हो गए तो इट मीन्स हम इनको कॉमन ले सकते हैं, टेकिंग कौन से को, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कॉमन फ्रॉम किस में से कॉमन लिया हमने, सी थ्री में से, सी थ्री में से मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन लेके हमारे पास क्या क्या कॉमन आ गया बच्चों, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन आ गया, तो बचा क्या आपके पास, वन वन वन
बी सी सी ए बी, और ये कॉमन आने के बाद यहाँ भी बच्चों क्या बच जाएगा, वन 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 बच जाएगा। तो अब ये देखियो सी वन एंड सी थ्री क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए, और आइडेंटिकल होते ही डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, जीरो हो जाती है। तो यहाँ लिखेंगे आप वेयर सी वन एंड सी थ्री आर आइडेंटिकल, कॉलम सी वन एंड सी थ्री आर आइडेंटिकल, देन डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, और वो आपका किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, राइट हैंड साइड के। इस टाइप से क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं बच्चों। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, उसमें मैंने एक प्रॉपर्टी करवाई थी आपको, ए वन अल्फा वन ए टू अल्फा टू वाली प्रॉपर्टी यूज करके इनको एलिमेंट्स को सेपरेट करके, क्योंकि ये टू टर्म्स के अंदर हैं, तो इनको सेपरेट करके आप इनको यूज करके आप इसको इक्वल प्रूव करेंगे। इसी टाइप से आपका सिक्स क्वेश्चन ट्राई करेंगे और सेवन्थ क्वेश्चन बच्चों आपने ट्राई करने हैं। तो सेवन्थ तक क्वेश्चन आपने इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बता दिए हैं, आप इनको खुद ट्राई करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों हमें कमेंट करके बताइए, हम उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।